इसको मैं सुबह उठाती हूँ और ब्रश करवाती हूँ, फिर इसका मुंह धोती हूँ, कंघी करती हूँ, दाढ़ी वगैरह सारा सेट करती हूँ। देखे मेरी हालत क्या है, इस हालत में तो शायद मुझे लोग क्या मेरे घर वाले भी शायद ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसने मुझे कबूल किया, ये इश्क नहीं तो और क्या है। अभी भी मेरा ख्याल रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं बस। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नाज़रीन मेरे साथ बैठे हैं दाऊद, जिनकी स्टोरी कुछ देर पहले बीबीसी पे वायरल हुई और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी न्यूज़ फैली कि हर कोई इनके पीछे और लोग इनका इंटरव्यू लेने इनके घर आने लगे। अच्छा, स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो दाऊद हैं वो एक हादसे में इनकी जो टांगे थी वो चली गईं, लेकिन जो सना है उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि ऐसी कुर्बानी बड़ी कम मिलती है। और ऐसी जो लड़कियां हैं या ऐसी हमारी बहनें सालों बाद पैदा होती हैं जो बावजूद ऐसे रिलेशन के शादी के लिए हाँ करती हैं। तो आइए आपकी उनसे बात करवाते हैं कि शादी के बाद उनके जो ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई और ज़िंदगी ने कैसे पासा पलटा, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाऊद यार, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ था आपकी स्टोरी देख के, तो आप ये बताएं कि मेरा इतना दिल चाह रहा है मैं तारीफ करूं आपकी बीवी की, जिसने माशाल्लाह इसको कुर्बानी समझ लें, इसको मोहब्बत की लाजवाल दास्तान समझ लें, या इसको हम इससे बढ़ के भी कहें तो भी मुझे लगता है ये चीज़ें कम हैं। तो मैं इतना खुश हूँ आपकी स्टोरी देख के। हमारे नाज़रीन को बताएं कि असल इश्क है क्या जो आपकी बीवी ने आपके साथ निभाया है। क्योंकि देखें मेरी हालत क्या है, इस हालत में तो शायद मुझे लोग क्या मेरे घर वाले भी शायद ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसने मुझे कबूल किया, ये इश्क नहीं तो और क्या है। बहन ने सच्चा इश्क किया है दाऊद के साथ, उनसे भी बात करते हैं। बहन ये बताइएगा, आपकी जो मोहब्बत की दास्तान है वो हीर रांझा हो, उनकी दास्तान क्या होगी जो आपने एक तारीख रकम की है? आप बताएं दाऊद को जब आप सेहतमंद हालत में देखती थी तब आप कैसा फील करती थी, और आज दाऊद जिस हालत में है इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें बेहतर करेगा, तो आज आप कैसा महसूस करती हैं? आज भी बहुत अच्छा महसूस करती हूँ क्योंकि मैं इसके साथ हूँ और मैं इसको हौसला देती रहती हूँ हर एक बात में, और मैं इसको बस खुश देखना चाहती हूँ कि ये बस टेंशन ना ले, क्योंकि मैं इसको कहती हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारी बाजू बनूँगी और ज़िंदगी भर मैं इसका साथ दूँगी इसी तरह। मियाँ और बीवी जो हैं वो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। सना ने ये अहद किया कि मैं दाऊद के साथ रहूँगी और इसे अपना जीवन साथी बनाऊँगी। अच्छा जी, हर मीडिया ने बात की है कि इनकी जो लाइफ थी पहले क्या थी, और हम बात करेंगे शादी के बाद की लाइफ कैसी गुजर रही है। सना आप बताएँ, शादी के बाद आपको दाऊद कैसा ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा, और बहुत प्यार करते हैं मुझे और बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। और मैं ये समझता हूँ हर जो एक ज़िम्मेदार मर्द है उसका बिल्कुल हक बनता है वो अपनी बीवी को इज़्ज़त दे। दाऊद यार, आप बताएं कि आपने सना को कैसा पाया, इतनी बड़ी कुर्बानी, और नॉर्मली ऐसी मिसालें बड़ी कम मिलती हैं हमारे माशरे में, इसीलिए तो इतना मीडिया आपके पीछे है। तो हमारे नाज़रीन को बताएं, जो लड़कियाँ लड़के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, सना ने जो कुर्बानी दी है इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? इससे बड़ी कुर्बानी तो कोई नहीं जो सना ने दी है, और हम खुश हैं शादी के बाद, पहले से ज़्यादा खुश हैं। तो रोज़ की रूटीन क्या है, क्या करते हैं सुबह से शाम तक आप लोग? आजकल तो बड़े आप लगता थक गए हैं मीडिया को इंटरव्यू दे दे के, तो रोज़ की रूटीन वैसे क्या होती है आपकी? यही कि सुबह टाइम उठना है, ब्रश वगैरह करवाती है मुझे, मुझे फ्रेश वगैरह करके कपड़े वगैरह चेंज करवा के उसके बाद ये नाश्ता वगैरह करवाती है, उसके बाद हम या फ़ोन पे कोई चीज़ वगैरह मुझे मूवी वगैरह या कोई भी चीज़ मुझे दिखानी हो या जो मैं कहूँ वो दिखाती है, या बाहर भी ले जाती है मुझे व्हील चेयर पर बिठा के। कोई डिमांड तो नहीं करती? नहीं, कोई डिमांड नहीं करती।
अच्छा बहन, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह दाऊद के बारे में थोड़ा बताएं कि दाऊद जो हैं वो रोज़ क्या करते हैं और आप किस तरह उन्हें इतना केयर टेक करती हैं। देखें, जो बीवी हैं ना वो ज़रूर करती हैं, लेकिन जब एक टाइम गुजर जाए, जब रिश्ता पुराना हो जाए, लेकिन आप माशाल्लाह एक नई शादी है लेकिन बावजूद आप इतनी ज़िम्मेदारी निभा रही हैं और पूरे पाकिस्तान ने ये चीज़ देखी है कि ऐसी बीवी, बड़ी कम बीवियाँ ऐसी होती हैं हमारे माशरे में। जी, इसको मैं सुबह उठाती हूँ और ब्रश करवाती हूँ, फिर इसका मुंह धोती हूँ, कंघी करती हूँ, दाढ़ी वगैरह सारा सेट करती हूँ और कपड़े चेंज करवा के फिर हम दुआ करते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करवाती हूँ। नाश्ता करवाने के बाद इधर बैठ जाते हैं, फिर मूवी देखनी हो मूवी दिखाती हूँ, जो भी कहे मैं उसको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद इधर बैठ के बातें करते हैं, फिर उसके बाद मेडिसिन, अगर मेडिसिन भी खाता है वैसे भी ट्यूब वगैरह लगानी हो वो लगाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर सोते हैं, फिर ऐसे उधर थोड़ा सा मतलब दूसरे रूम में सबके पास लेके जाती हूँ। वैसे तो सब इधर आ जाते हैं दाऊद के पास, तो ऐसी सारी रूटीन है सारा दिन हमारा। अच्छा, मीडिया की आप सेंसेशन बने हुए हैं, ये बताएं, दो तीन दिन पहले तो किसी को आइडिया नहीं था, अब कैसा महसूस हो रहा है जब पूरा पाकिस्तान आपके आगे पीछे है? बहुत खुशी होती है और दाऊद के पीछे मुझे इतनी इज्जत मिल रही है और बहुत सी दुआएं मिल रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दाऊद जो मर्द होता है ना, उसको बीवी की किस्मत का मिलता है ज़िंदगी में, जो भी मिलता है, आपको सना की किस्मत का बहुत कुछ मिल गया। जी ऐसे। अच्छा दाऊद यार, ये बताएं कि सना की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही कि मुझे बड़ा प्यार करती है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, मेरे कहने से पहले इसको पता चल जाता है कि अभी इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये बातें इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो सना को कभी गाना गा के सुना है? नहीं, सुना देते हैं। अच्छा अच्छा सना, आप बताएं आपको दाऊद की सबसे अच्छी आदत क्या लगती है? आदत बड़े प्यार से बुलाते हैं मुझे और मुझे पूछते रहते हैं कुछ चाहिए, कुछ खाना है, खाया मतलब हर एक चीज़ का अभी भी मेरा ख्याल रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बस मुझे इनका प्यार ही चाहिए। दाऊद और सना की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान हमने आपको बताई। सना ने बताया कि मैं इनको ब्रश करवाती हूँ, इन्हें खाना खिलाती हूँ, इसके अलावा इन्हें व्हीलचेयर पे भी बिठाती हूँ, और बड़ी बात यह है कि मुश्किल में तो आपके साथ कोई नहीं होता, आसानी में तो हर कोई होता है, लेकिन सना ने ये प्रूव किया कि वो आसानी में भी दाऊद के साथ थी और मुश्किल में भी उन्होंने दाऊद का साथ निभाया है, और शादी से पहले भी दाऊद का कहना है ये वैसी ही थी। बड़ी बात यह है, हमारे माशरे में जो ऐसी मिसालें हैं वो बड़ी कम मिलती हैं कि मियां बीवी एक सच्ची मोहब्बत निभाएं, और मैं सल्यूट करता हूं सना को जिन्होंने मोहब्बत की लाजवाल दास्तान को पूरा किया और दुनिया को बताया कि जो सच्ची मोहब्बत है वो आज भी इस दुनिया में कायम है। अल्लाह ताला सना और दाऊद को हमेशा खुश रखे, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये उनके लिए एक मिसाल है कि जो सच्ची मोहब्बत है वो आज भी ज़िंदा है। सना और जो दाऊद का नंबर है वो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनकी हेल्प करें, और जो लोग इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं वो लाजमी इनको अप्रोच करें, ताकि जो दाऊद हैं वो कोई काम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी बहन हैं उनको हम काम करवा दें, कोई कपड़े का या इस किस्म का कोई भी काम। तो जो लोग मेरी पाकिस्तान में वीडियो देख रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर, वो लाजमी इन्हें हेल्प आउट करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजार सकें। आज की वीडियो लाने का मकसद ये था कि पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान हम सबके सामने आए कि पाकिस्तान में अच्छे लोग भी ज़िंदा हैं इस वक्त। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।